नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माँ प्रकृति में। साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने दो टायर्स पे अरबी बोई थी वो आज मैं निकालूँगी। लेकिन उससे पहले ये जरबेरा, ये बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, कई कलर्स में आते हैं और इस फ्लावर्स की तो जो 1/3 पेटल्स हैं वो लगभग आधी सी ही हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक नया डिज़ाइन जो मैंने ये अरबी बोई थी इसमें कुछ नहीं, जो अरबी मार्केट में आती है उसमें जो आँख वाली अरबी होती है वो एक एक अरबी दोनों टायर्स में बो दी थी। और देखिए, पूरे सीज़न मुझे अरबी के पत्ते खाने को मिले और अब अरबी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, ये जो मैंने अरबी निकाली थी इसको मैंने धो दिया है और ये देखिए, हालांकि दो ही टायर में थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन घर की चीज़ है और अच्छा लगता है, एक सुकून भी मिलता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में, अगर ज़मीन है तो ज़मीन में, या फिर जो भी आप गमले में या किसी भी तरीके से अगर आप उगा सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन मन को बहुत शांति देती हैं। प्योर ऑर्गेनिक है ये, कोई इसमें केमिकल वाली खाद यूज़ नहीं हुई है। टोटली इसमें घर का जो किचन वेस्ट से मैं खाद बनाती हूँ वही इसमें यूज़ करी थी। तो इस तरीके से आप अपने घर में वेजिटेबल्स उगा सकते हैं और इस अरबी का तो टेस्ट भी बहुत अलग होता है। तो साथियों, हमने अरबी तो निकाल ही ली है, लेकिन जो इसके पत्ते थे उनको भी हम पकौड़े बनाकर उनका यूज़ कर लेंगे। आप इसमें बेसन मिलाकर और नमक, हल्दी, मिर्च और जो भी आपका टेस्ट है उसके हिसाब से हींग जीरा मिलाकर इनको फ्राई कर लीजिए। ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। पकौड़े भी बना सकते हैं और एक रेसिपी होती है पतौड़े, जिसको कि आप जो है नेटवर्क पर सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं और ये हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ आप इनका जो है टेस्ट ले सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।